नमस्कार दोस्तों, आज संध्या मिश्रा के किचन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइव नहीं किए हों तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के पहले सब्सक्राइब और लाइव करना ना भूलें। तो दोस्तों, आज चल रहे हैं, जैसे देख रहे हैं, तीज के दूसरे दिन हम लोग को रहता है जो, तो पहले सबसे बनता है सुहारी और हलवे बनता है। तो हलवे दोस्तों किस चीज़ के बनता है हम आपको दिखा दे रहे हैं यहाँ पर। इसमें हलवे में गड़ी पड़ता है, यहाँ पे देख रहे हैं छुहाड़े के बाद यहाँ पे काजू बादाम किशमिश यहाँ पे शोट लिए हैं। तो दोस्तों, इन सभी चीज़ों को डालकर हलवा बनता है। तो पहले जैसे देखते हैं पूड़ी हलवा खाने के बाद से उसके बाद कोई चीज़ खाया जाता है। तो यहाँ पर चल रहे हैं सबसे पहले हम पूड़ी और हलवे बनाने के लिए। तो यहाँ पे दोस्तों इन सभी चीज़ों को जैसे देख रहे हैं, यहाँ पर आटे लिए हैं, आटे पाव के जी लिए हैं, यहाँ पे देख रहे हैं कि चीनी पाव के जी है। इन सभी चीज़ों को हमने रख लिए हैं। रखने के बाद अब खलबट्टे में हम पहले छुहाड़े को कूट लेंगे अच्छे से। कूटने के बाद इसकी बीज जो है निकाल लेंगे, यहाँ पे इसको कूट लिए हैं। अब इसकी बीज जो है इसमें से हम निकाल लेंगे। इसके बाद दोस्तों इसको मिक्सर में डाल के अच्छे से हम पीस लेंगे। इसको सभी बीज को इस तरह से निकाल ले रहे हैं। तो दोस्तों इसको बनाने के बाद से जैसे देखते हैं हम छोले भी बनाएंगे, मार्केट वाला टिक्की वाला छोले। तो टिक्की वाला छोले मुझे बहुत पसंद है तो मैं आज उसे बनाऊंगी। तो यहाँ पे दोस्तों इसको पहले बना ले रही हूँ, उसकी रेसिपी सबसे लास्ट में दिखाऊंगी। अब यहाँ पे ओले करने के लिए छोले को भी एक साथ में रख दे रहे हैं। अब इसके मिक्सर में इसको पीस ले रहे हैं। तो यहाँ पे दोस्तों इसको हम ले लिए, अब मिक्सर में अच्छे से पीसेंगे इसको। मिक्सर में पीसने के बाद इसको दिखा दे रहे हैं किस तरह से पिसा गया अच्छे से। अब इसमें एक चम्मच घी डाल दिए, आटे को भूनेंगे घी में। अब यहाँ पे देखिए कितने अच्छे से पिसा गया है, दरबरे इसको पीसा जाता है। आटे को डालकर हम 2-3 मिनट अच्छे से भून लेंगे। तो दोस्तों और जैसे रेसिपी हमने नहीं दिखाए हैं आपको क्या क्या बनाए हैं, बहुत लेट हो रहा था। तो यहाँ पे जैसे आज हमने बहुत सारी चीज़ें बनाए हैं तो हम दिखाए नहीं इसमें। तो यहाँ पे दोस्तों आटे को हम इस तरह से भून लिए हैं, लगातार आटे को चलाते रहना है नहीं तो नीचे से जलने लगता है आटे। आटा यहाँ पे देख रहे हैं हल्के ब्राउन तक भुना रहा है। अब अच्छे से आटे भुना गया हमारा, इसको चलाते हुए हमने 5 मिनट पूरे अच्छे से भुने हैं। अब इसके बाद थाली में इसको निकाल लेंगे। आटे को थाली में निकाल लिए अच्छे से। अब यहाँ पे कढ़ाई में हमने 2 चम्मच घी डाले हैं, इसके बाद जीरा। जीरा डालने के बाद जो पिसे थे पिसी हुई इसमें मसाले सारे डाल दे रहे हैं। अब अच्छे से मिक्सर को धो लेंगे, धोकर भी इसमें पानी डाल देंगे। अब इसमें 1 चम्मच हल्दी। दोस्तों व्रत के दूसरे दिन, तीज के दूसरे दिन सबको घर में हलवा बनता है। अब यहाँ पे देख रहे हैं अच्छे से भुना रहा है मसाले हमारा। अब इसको भुनने के बाद जैसे आटे को देख रहे हैं, आटे को घोल बनाकर इसमें हम डालेंगे। आटा अभी गर्म है तो इसलिए जल रहा है, तो अभी इसको हल्के हल्के हाथ से इसको घोल तैयार कर ले रहे हैं। अब इसमें आटे को घोल को भी डाल दिए, अब पानी डालकर इसको पकाएंगे, चीनी भी डालेंगे साथ में। चीनी इसमें डाल दिए। चीनी डालने के बाद अच्छे से मिला लिए इसको। यहाँ पे हलवे को अच्छे से मिला लिए। तो दोस्तों बहुत टेस्टी हलवा ये बनकर तैयार है।
तो अब दोस्तों इसको एक साइड में कर देंगे। साइड में करने के बाद अब पूड़ी इस पर बनाएंगे। अब पूड़ी के लिए इधर देख रहे हैं कढ़ी हमने रख दी है दूसरी। कढ़ी रखने के बाद से इसमें रिफाइंड तेल डाल दिए। छोटे छोटे गोले बनाएंगे पहले। छोटे छोटे गोले बनाने के बाद से पूड़ियों को बेल लेंगे। अब यहाँ पे पूड़ियों को बेल कर तैयार कर लिए हैं। अब इधर तेल हमारा गर्म हो चुका है तो पूड़ी को हम तल लेंगे इस तरह। पूड़ी के हल्के हाथ से पहले दबाएंगे तो हल्के हाथ से पूड़ी दबाने के बाद पूड़ी हमारा फूलने लगती है। इसी तरह पूड़ी को निकालते जाएंगे। तो पूड़ी देख रहे हैं कितनी अच्छे से फूल रही है, खिली खिली हुई रही पूड़ी। यहाँ पे दूसरी भी पूड़ी है। इसी तरह से सारे पूड़ी हम बना लेंगे। यहाँ पे दोस्तों देख रहे हैं कि पूड़ी हमारा बन के तैयार हो चुकी है। अब इस पे चल रहे हैं छोले बनाने। यहाँ पे बहुत अच्छी पूड़ी हमारा बना है। तो दोस्तों जब हम पूड़ी के डो को तैयार करते हैं तो उसमें हल्की सी नमक ज़रूर डालते हैं, क्योंकि पूड़ी हमारे मुलायम रहती है। अब बिल्कुल वाइट जैसे रहती है, देखती है कितनी अच्छी लग रही है। अब यहाँ पे इसमें हम रिफाइंड तेल डाल दिए। रिफाइंड तेल डालने के बाद से यहाँ पे देख रहे हैं हींग है, पचफोरन है, लौंग है, यहाँ पे 3 तेज़पात है। सभी चीज़ों को हम डाल देंगे तड़के में। तड़के में डालने के बाद अब इसमें हम लहसुन भी डाल दिए, प्याज को भी डाल दे रहे हैं। अब अच्छे से भुनने के बाद से इसमें अदरक भी डाल दे रहे हैं। डालने के बाद इस कलर का जब हल्के ब्राउन तक भुना जाता है, ज़्यादा देर तक छोले के जो है तड़के भुनना नहीं चाहिए, इस तरह से रहना चाहिए तो छोले बहुत टेस्टी बनता है। नहीं तो प्याज को ज़्यादा भून देते हैं तो बहुत अच्छा नहीं लगता है। यहाँ पे दोस्तों आपके पास जैसे राजेश मीट मसाला हो, ये छोले मसाला हो, ये दोनों चीज़ में से कोई मसाला डालने पर छोला बहुत टेस्टी बनता है। तो यहाँ पर हमने छोले मसाला डाल रहे हैं। इसमें पानी डाल देंगे जाके मसाला अच्छे से फूल जाए। अब इसमें 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, 2 चम्मच हल्दी इसमें हम डाले हैं। डालने के बाद से अब देख रहे हैं कि इसे तड़के में मसाले को डालकर भुनेंगे अच्छे से। अब यहाँ पे मसाले को हम डालकर भून ले रहे हैं। इसमें मसाले को अच्छे से भुनने के बाद तब इसमें हम छोले डालेंगे। इधर आप देख रहे हैं बहुत अच्छे से मसाला हमारा भुना चुका है। इसमें थोड़ी सी पानी भी डालने, क्योंकि मसाला नीचे से जलने लगता है। और दोस्तों बहुत अच्छी खुशबू भी छोले में से आ रहा है। अभी छोला बना नहीं तभी खुशबू बहुत अच्छी आ रही है इसमें से। अब इसमें कटे हुए टमाटर को भी डाल दिए हैं। कटे हुए टमाटर डालने के बाद से इसमें स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे। नमक डालने के बाद अच्छे से चला लिए हम। नमक मिला लिए इसमें अच्छे से। अब इसमें देख रहे हैं जैसे कि छोले डाल देंगे। अब बहुत अच्छा देखने में भी लग रहा है, इसका कलर भी बहुत अच्छा आ गया है। अब छोले को इसमें हम डाल दे रहे हैं। तो छोले को अच्छे से 2 सीटी उबले कर लिए थे। उबले करने के बाद से छोले को इसमें हम डाले हैं। अब मसाले को मिला लिए अच्छे से। अब बहुत अच्छा लग रहा है देखने में भी। अब इसमें दोस्तों 1 कप पानी डालेंगे।
पानी डालने के बाद से इसको हम ढककर पकाएंगे, सीटी नहीं लगाएंगे नहीं तो बहुत ज़्यादा मटर गल जाता है। इसको ढककर हम 2-3 मिनट अच्छे से पका लेंगे। अब 2-3 मिनट पकाने के बाद से छोला हमारा बहुत अच्छा बन चुका है। अब इधर टिक्की के लिए आलू भी उबले किए हैं, हम छोले को उतार के एक साइड में रख दे रहे हैं। अब इसमें अजवाइन डालेंगे। अजवाइन डालने के बाद से इसमें नमक डालेंगे हल्के से। अब इसमें लाल मिर्ची पाउडर 1 चम्मच डालेंगे। अब टिक्की के आलू को हाथ से मसल लेंगे अच्छे से। छोले को हटा दिए, अब इस पर तावे रखेंगे, तावे पे तेल डालेंगे। यहाँ पे 2-3 चम्मच तावे पे तेल डाल दिए। तेल अच्छे से जब गर्म हो जाएगा तो टिक्की किस पे हम रख देंगे। इसी तरह सारे टिक्कों को बनाते जाएंगे। यहाँ पे टिक्की को हम रख लिए यहाँ पे। तो इस तरह से दोस्तों देख रहे हैं टिक्की कितनी हमारे हल्का हल्का देख रहे हैं, हल्के ब्राउन तक भून लिए हैं टिक्की को। अब बहुत कुरकुरे टिक्की बन रहा है। इसी तरह से टिक्की को पलटते जाएंगे अपने। तो दोस्तों इस तरह से बहुत आसानी से टिक्की छोले आप घर पे बना सकते हैं। अब यहाँ पे हमारे टिक्की सारे बन चुका है, तो यहाँ पे दुनिया को लगा दे रहे हैं। बच्चों को जैसे दुनिया में बहुत ज़्यादा पसंद रहता है खाना, तो यहाँ पे दोस्तों इस तरह से हम सारे टिक्की को डाल दे रहे हैं और छोले इसमें डालते जाएंगे। यहाँ पे छोले इस तरह से हम डालते जा रहे हैं। अब दुनिया में छोले रखने के बाद हल्के हल्के प्याज डालेंगे ऊपर से। अब हरी मिर्ची कटी हुई डालेंगे, इसके ऊपर से नमकीन डालेंगे हम। नमकीन ऊपर से इसको डाल दिए। सारे छोले में नमकीन डालने के बाद से अब इधर दोस्तों जैसे देख रहे हैं नमकीन ऊपर से हमने डाल दिए हैं, तो इसमें जैसे देख रहे हैं दही भी ऊपर से डालेंगे, मीठी चटनी। तो दही इसके ऊपर से डालने पे स्वाद और इसका बढ़ जाता है छोले का। अब यहाँ पे डाल दिया, चम्मच लगा देंगे इसके ऊपर से, फिर लाल मिर्ची काला नमक ऊपर से भी छिड़क देंगे। तो यहाँ पे दोस्तों अब लाल मिर्ची ऊपर से डाल दे रहे हैं। लाल मिर्ची डालने के बाद से इसके ऊपर से काला नमक भी डाल दे रहे हैं। अब सारी चीज़ों को डाल दें, बहुत अच्छा छोला बनकर तैयार हो चुका है। तो प्लीज़ हमारे चैनल को, जिन लोगों ने सब्सक्राइब लाइव नहीं किए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जब भी कोई वीडियो ना तो आपके पास हमारा वीडियो हर समय पर मिलते जाए। दोस्तों आज की रेसिपी अच्छा लगा होगा तो लाइक करना ना भूलें, फिर नई रेसिपी के साथ मिलेंगे।